नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं चोपटा में मौजूद हूं और मेरे साथ आप जिस महान शख्स को देख रहे हो, एलआईसी के विकास अधिकारी इंद्र कुमार जी गोयल हमारे साथ है और ये इनका बेटा है। आज हमने गांव तरकावाली की युवा टीम को वॉलीबॉल की किट वितरण की है और इंद्र कुमार जी गोयल जैसे महानुभाव व्यक्तियों के हाथ से मैंने वो युवा क्लब की टीम को जो वॉलीबॉल की किट है वो वितरण करवाई है। हमारे बीच में ना तो श्री चोपटा क्षेत्र के तमाम पत्रकार मौजूद रहे, इसके साथ साथ तमाम संस्थाओं के लोग मौजूद रहे और हमने इंद्र कुमार जी गोयल की प्रेरणा से जो भी कुछ सीखा, इन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नया करने की ओर बढ़ना चाहिए और हमने इसी की तर्ज पर चलते हुए आज गांव के युवा क्लब की टीम को वॉलीबॉल की किट वितरण की और इसके साथ साथ हम इंद्र कुमार जी गोयल जिसे जानते हैं कि आज गांव तरकावाली में ये पहुंचे, तो गांव तरकावाली में आकर के इनको कैसा लगा? 31 मई को रिटायरमेंट हो जाएंगे, इंद्र कुमार जी क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? आज गांव तरकावाली में पहुंचे तो क्या कुछ आज का प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था थी और चौपाल में जो बच्चों ने, जो गांव के लोगों ने और विशेषकर सभी पत्रकार बंधुओं ने वहां पहुंचकर हमें अनुग्रहित किया और पत्रकारिता की एकता और जो सहनशीलता और जो भाईचारा मैंने यहां पर देखा है उनको मैं नतमस्तक हूँ और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। इसके लिए मैं विशेष तौर पर विक्रम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इंद्र कुमार जी, आप शहर में रहते हो तो आज आप शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर आए हो और आज आपका पूरा दिन इन पत्रकार साथियों के बीच में, सामाजिक लोगों के बीच में, शैक्षणिक संस्थानों पर भी गए हो, तो ये सारा अनुभव हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। आज सुबह से जब हम लोग इस कार्यक्रम में निकले हैं तो वैसे मेरा सेवानिवृत्त उत्सव का 27वां दिवस है और ये 27वां दिवस विशेष तौर पर याद रहेगा मुझे, क्योंकि इस 27वें दिवस पर पहले मैं वहाँ जो वॉलीबॉल के बच्चे थे, जो इतना कार्यक्रम अच्छी मेहनत करके उन्होंने प्लेयर्स के रूप में इतना कार्यक्रम किया, उनको जो हमने एक किट भेंट की वो बच्चों को एक प्रोत्साहन देती है। किट के सम्मान की वजह नहीं, सम्मान की वजह में जो सम्मान उन बच्चों को मिला उससे जो उनको उत्साह मिलता है उसकी एक गहरी छाप होती है। और उसके बाद जैसे स्कूल के कार्यक्रम के वहाँ पर बच्चों के साथ मुलाकात हुई और आज प्रेस के साथियों के साथ मुलाकात करने का जो अनुभव रहा है आनंदित हूँ मैं, बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि उनके जो प्रश्न थे उनका सही ढंग से जवाब देना और सामाजिक स्तर पर हमने जो बातचीत रखी है, क्योंकि मेरा किसी राजनीति से या किसी लेने की प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध सिर्फ और कुछ ही बांटने का है, कुछ न कुछ देकर मुस्कुराते हुए रहना है, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से अभी 31 मई से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, तो मेरा जो सेवानिवृत्त उत्सव है 1 मई से स्टार्ट हुआ था और आज हम 27वें दिवस पर उसकी बहुत ही उल्लसित है और मन भरा हुआ है और उत्साह है। इंद्र कुमार जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, हम आमतौर पर देखते हैं कि जो सेवानिवृत्त होने के बाद में जो भी कर्मचारी अधिकारी है, सिर्फ अपने धन मोह के लालच में अपने घर परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। आप सेवानिवृत्ति के उत्सव पर पूरे समाज के बीच में जा रहे हैं, उनको कुछ न कुछ नया करने का बीड़ा उठाने का काम जो कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। क्या हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो समाज के बीच जाकर के कुछ न कुछ नया करे? हाँ, ये एक नई चीज तो हुई है। उदाहरण के रूप में जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जो लोगों के फोन आ रहे हैं, जहाँ जहाँ मीडिया के थ्रू मैसेज आ रहा है, तो लोग इसको एक नई प्रेरणा तो मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में जो सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी हैं वो जरूर इस पर चिंतन करेंगे। और कुछ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी से मेरी बात भी हुई है, वो कहने लगे कि हाँ, हमें एक दिशा मिली है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो सेवानिवृत्त होंगे वो जरूरी आप समाज के हिस्सा बनेंगे, परिवार का हिस्सा तो बनते रहे हैं सेवानिवृत्त होने के बाद, मूर्ख को त्याग कर कम से कम उन लोगों के पास अवश्य जाएं जहां उसकी ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि ये जो उत्सव है, ये जो माह है, आने वाले समय में समाज को एक नई नया आइडिया दिखाएगा। इंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एलआईसी के विकास अधिकारी इंद्र कुमार जी गोयल,
जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ अच्छा करने की ओर कदम बनाना चाहिए। अगर हम समाज में एक अच्छी नेक नीति और नियत लेकर चलेंगे तो वो हमारे पास दोगुना होकर के लौटेगा, और वही कार्य आज इंद्र कुमार जी गोयल ने कर दिखाया है। और मैं तो ये कहूँगा कि इंद्र कुमार जी गोयल जैसे जो महानुभव है हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है। इन जैसे अधिकारी और कर्मचारी अगर हर क्षेत्र में होंगे तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर बदलाव आएगा। तो मैं एक बार फिर से सभी पत्रकार साथियों का और इंद्र कुमार जी गोयल का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो यहाँ पर हमारे गांव तरकावाली में आकर के जो हमारा मान सम्मान और हौसला बढ़ाया है। अगर इस तरीके से इनका हौसला ये हमारे पर आशीर्वाद इनका बना रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारा जो अम्बेडकर युवा क्लब है वो भी एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।